हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से अपने गार्डन में कुछ चेंजेस करके आपके साथ लेकर आई हूँ नया वीडियो कुछ नए आइडियाज़ के साथ, और होप आपको पसंद आएगा। तो आज मैं खाली थी, तो मैं दिन में घर पे थी, तो मैंने सोचा कुछ अपने गार्डन में चेंजेस करके थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव बनाया जाए, और तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना गार्डन। ये देखिए, मैंने रॉक पेंटिंग की थी आपके साथ, मैंने पहले भी शेयर किया था ये हैप्पी गार्डन। और ये चेंजेस, ये मंथ मार्च का चल रहा है, तो अब फ्लावर्स के मौसम धीरे धीरे अब जा रहे हैं, अब समर्स के फ्लावर्स आ रहे हैं। ये देखिए, प्यार सा क्यूट सा फ्लावर खिला हुआ है आज, तो मुझे लगा कि इसका वीडियो मैं बनाती हूँ इसका साथ साथ अपने गार्डन का भी। ये गर्मी आ गई है, अब गर्मी आ रही है, तो ये देखिए सदाबहार के फूल ब्लॉसम होना स्टार्ट हो गए। मेरा मनी प्लांट और थोड़ा सा मेरा डेकोरेशन है। ये देखिए, मैंने एक प्लांट लगाया है रिक्शे में, ये एक प्लांटर है बैलगाड़ी का, इसमें सदाबहार लगा हुआ है, तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है ये। तो ये देखिए मेरा ओवरऑल व्यू गार्डन का। मैं दोस्तों के साथ, मेरे पास फ़ोन आते थे और रिक्वेस्ट आती थी कि अपने गार्डन का थोड़ा सा मुझे भी, आप थोड़ा सा मुझे भी स्टार्ट करना है अपने गार्डनिंग करना, क्योंकि जो बंदे नए होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने यही टिप्स देती हूँ कि आप पहले जाइए, 10 गमले लेकर आइए, 10 प्लांट लगाइए और स्टार्ट कर दीजिए, फिर धीरे धीरे अपना आप ऐड करते रहिए, जैसे मौसम आए चेंजेस करते रहिए और धीरे धीरे अपना ऐड करते रहिए। पर हाँ, जो स्टार्टिंग के आप 10 गमले लेकर आइए, वो परमानेंट पूरे साल भर का जो मतलब प्लांट हो वो ख़राब ना हो वो लेकर आइए। ये देखिए वाटरफॉल, तो मेरे गार्डन देख के कई लोग मुझसे, मुझे पता नहीं इतना अच्छा तो नहीं है, नॉर्मली है, फिर भी टिप्स मांगते हैं कि स्टार्ट कैसे करें, कैसे गार्डनिंग करें। और ये बहुत ही अच्छा टाइम पास होता है गार्डन में, जिसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगनी है। आप जब फ्री हो तो अपने गार्डन में थोड़ा सा आप टाइम दो, तो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है आपका। ये देखिए कनेल का पिंक फ्लावर है आ रहा है, अब इनका भी सीज़न स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अब मार्च एंड हो रहा है, तो अब गर्मियों के फ्लावर भी खिल रहे हैं। ये हैंगिंग गार्डन में इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये देखिए बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर हैं। मुझे डर लग रहा है अभी अब जाने वाले, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही है, विंटर्स आ रही है, सो सैड। ये मैरीगोल्ड, मैं सोच रही हूँ सबके साथ वीडियो बना लूँ, क्योंकि फिर मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे गर्मियों वाले प्लांट के। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है हैंगिंग गमला। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये आम का पेड़ है, ये पूरे बॉर्ड से लदा हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट प्लेस है। मैं यहाँ खड़े होकर मैं इसको बहुत क्या कहते हैं माइंड फ्रेश करती हूँ उसको देख के। एक हैंगिंग गमला ये है, हैंगिंग गमला आप देखो, ये आपको अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि आप गमले कैसे हैंग करो, तो मार्केट में हैंगिंग गमले ऑलरेडी मिलते हैं, प्लांट भी उसके अकॉर्डिंग आप सीज़न के अकॉर्डिंग आप ले आइए। और ये जो हैंग वाला हुक होता है ना, आप किसी भी इलेक्ट्रीशियन के बोल दीजिएगा, तो अपने आपके गार्डन में आपके बालकनी में ये लगा देगा। और ये देखिए मेरा लेटेस्ट, मेरा गार्डन में नया स्विंग आया हुआ है, और गार्डन में जो स्पेस थोड़ा छोटा लग रहा था, स्विंग थोड़ा बड़ा था, फिर मैंने एडजस्ट किया, क्योंकि छोटा स्विंग तो अच्छा नहीं लगता। अभी मैंने बड़ा सा टेडी बिठा रखा है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं रात में कल यहाँ पे बैठ के काफ़ी अच्छा मुझे फील आ रही थी गार्डन में, तो आप इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं स्विंग को। और अभी के लिए मेरा फेवरेट प्लेस है बैठने का गार्डन। मुझे रूम नहीं पसंद, मुझे कहीं नहीं पसंद, मुझे लिविंग रूम में नहीं पसंद, मुझे यहीं पे आके बैठना मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून लगता है यहाँ पे। तो आप भी ऐसा आप एक कोना बनाइए
ये स्विंग के पीछे का दिखाती हूँ मैं। एक प्लांट मेरा इतना बड़ा हो रहा था तो मैंने उसको स्विंग के पीछे रखा है ताकि आगे से इसका ग्रीनरी इफेक्ट आए। ये साइड देखिए, ये भी गर्मियों के फ्लावर है। अब ये ब्लॉसम होना स्टार्ट में है, नई नई पत्तियाँ आ रही है। यहाँ पूरी पत्तियाँ खाली हैं, धीरे धीरे आएंगी। ये देखें, तो आप स्टार्टिंग करिएगा, जब भी आप किसी को गार्डनिंग स्टार्ट करना हो तो आप ऐसे प्लांट चूज़ करिए जो पूरे साल रहते हो। अगर आप सीजनल लाएंगे 2 महीने बाद सूख जाएंगे, फिर आपका माइंड फिर से चेंज हो जाएगा कि नहीं गार्डनिंग करना बहुत टफ है। ये आप देख रहे हो, ये पुदीना है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गार्डनिंग जब भी करनी हो परमानेंट फ्लावर लेकर आएंगे, परमानेंट प्लांट लेकर आएंगे। 10 प्लांट्स 20 प्लांट परमानेंट लगाने के बाद, जैसे ये सब परमानेंट प्लांट है, साल भर टिकते हैं, ये परमानेंट है, ये ग्रोथ परमानेंट रहता है। हाँ, हालांकि गर्मी में फ्लावर नहीं आते, अभी आ रखे हैं। अभी देखिए कितने फ्लावर आ रखे हैं मार्च में, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं यहाँ पर। फ्लावर से मेरी गार्डन भरा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गार्डन अपना। तो मतलब ऐसे प्लांट लेकर आइए जो साल भर टिके। उसके बाद जैसे आपको शौक जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आप सीजनल प्लांट लेके आते रहे। ये देखिए हैंगिंग लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और आपको मुझे दिखाना है, ये देखिए मैरीगोल्ड, ये देखिए, ये जो मैरीगोल्ड सॉरी ये हिबिस्कस है, ये भी आप एक बार लगाएंगे तो साल भर ये पेड़ टिकता है। तो इसको भी आप लगा के, और ये सबसे आसान सबसे ईजी एलोवेरा होता है, आप इसको लगा दो, पानी देने की ज़रूरत नहीं, बस आप इसको धूप पे रख दो और आपके पौधे एकदम मस्त रेडी हो जाएगा। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये जो बेल आ रही है ये उसकी है, क्या नाम था इसका, अभी नाम थोड़ा भूल रही हूँ। ये फ्लावर गुच्छे में आता है ना, मधुमालती, ओके सॉरी, मधुमालती का पेड़ है ये। तो ये भी साल भर ही टिकता है। तो आप ऐसे प्लांट लेकर आ जाओ, ये सब ग्रीन ग्रीन, आप कुछ भी आप ले आओ। ये देखिए ये नीचे ही ग्रीन है, ये सब साल भर वाले पेड़ है। तो आपकी एक मेन फर्स्ट स्टार्टिंग एक आपको होना चाहिए कि आप क्या कहते हैं, पहले आप बालकनी को अपने ग्रीन करो, उसके बाद फ्लावर्स के बारे में सोचो। तो ग्रीन कुछ भी आप लगा दो तो आपका गार्डन ब्यूटीफुल दिखेगा। ये आप एक चीज़ देखिए, ये मैं ना चम्मच का स्टैंड, ये चम्मच का स्टैंड था, मैंने उल्टा करके लगा दिया एक्स्ट्रा ये गमला, क्योंकि मेरे बालकनी में स्पेस तो कम ही होता है, तो एक्स्ट्रा गमले में मैंने इसको ऐसे लगा दिया, तो एक गमला इस पर और आ गया। ये देखिए, ये तो आप ये प्यारी चिड़िया आपने देखा ही होगा पहले भी मेरे वीडियो में, ये टेडी महाराज एकदम आराम से झूले में स्विंग कर रहे हैं। ये देखिए स्विंग है, बहुत प्यारा है। हालांकि आप ये मत डरिए कि आपकी जगह नहीं है, स्विंग कहाँ रखेंगे, मेरे पास खुद ये प्रॉब्लम थी बट मैंने एडजस्ट किया। और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा सुकूनदेह होता है गार्डन में रखा हुआ, आप जब बैठेंगे तब बहुत इन्जॉय मिलता है। ये देखिए ओवरऑल मेरा गार्डन का अभी का मार्च मंथ का यही है। आगे जैसे फ्लावर चेंजेस होंगे फिर मैं आपके लिए नए वीडियो लेकर आऊँगी। तो हैप्पी गार्डनिंग, ये देखिए हैप्पी गार्डनिंग, हैप्पी हैप्पी गार्डन। तो आप गार्डनिंग करिए, खुश रहिए और सबको खुश रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।